अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले हमने उबले हुए सफ़ेद चने ले लिए हैं एक कप। एक कप हम राजमा ले लेंगे, जिसको हम लोबिया भी कहते हैं, लाल लोबिया, बड़ा लोबिया एक कप हम वो ले लेंगे। आधा प्याज बारीक कटा हुआ ले लेंगे, आधा टमाटर हम बारीक कटा हुआ ले लेंगे। टमाटर के जो बीज हैं वो हमने निकाल लेने हैं। उसके बाद 4 टेबलस्पून हम केचप ऐड कर देंगे। ये जितनी मैंने मेजरमेंट बताई है ना, ये तकरीबन आपकी 2 प्लेट्स आसानी से तैयार हो जाएंगे। अगर आपने ज़्यादा बनानी है तो फिर आपने इसकी क्वांटिटी भी उस हिसाब से कम ज़्यादा कर लेनी है। 4 टेबलस्पून हमने टमाटो केचप ऐड की है। 2 टेबलस्पून हम इसमें इमली का पल्प ऐड कर लेंगे। यहाँ आप यहाँ पर जो बाज़ार से इमली की चटनी मिलती है खट्टी मीठी, वो भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून हम इसमें हरी चटनी, जो पुदीने की चटनी होती है, वो ऐड कर लेंगे। और साथ ही में 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड कर लेंगे। इसके अलावा आपने कुछ नहीं ऐड करना। बहुत कम टाइम में ये हमारा राजमा सलाद जो है वो रेडी हो जाता है। आप एक दफ़ा इसको बना के देखिएगा तो दोबारा आपको ये सलाद खाने के लिए किसी शादी का वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये इतना टेस्टी बनेगा कि आप इसको जब दिल चाहे घर पर बना के खाएँगे। देख सकते हैं कि कितना माउथ वाटरिंग हमारा जो है राजमा सलाद रेडी हो चुका है। इसको आपने लाजमी से ट्राई कीजिएगा। आप यकीन माने जिस चीज़ को भी आप खिलाएंगे ना, वो आपका फ़ैन हो जाएगा। वो यकीन ही नहीं मानेगा कि आपने ये घर पे बनाया हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।